ठीक है, वो कहता है मिसाल के तौर पे स्टेप नंबर वन, हाउ टू बिल्ड अ ट्री, इसने एक एग्जांपल यहाँ पे चूज किया, कहते हैं स्टेप नंबर वन, काउंट द अकरेंसेस ऑफ करेक्टर इनटू अ मैप. हम ये एल्गो में भी लिखना है, हमें एल्गो में भी लिखना पड़ेगा, तो हमें ये सोचना है कि ये बात क्या होगी. सबसे पहले क्या करेंगे, जो टेक्स्ट मिलेगा हमें उसमें हम हर कैरेक्टर के को काउंट कर लेंगे कि वो कितने हैं. जैसे इसी स्लाइड में देख लें तो इस स्लाइड में ए कितना है, बी कितना है, सी कितना है, तो किसके अकर होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो ज्यादा है या कम है, तो वो हम बेसिकली यहाँ निकालेंगे. तो कुछ लोग प्रोबेबिलिटी बेस पे करते हैं, कुछ लोग काउंटिंग बेस पे करते हैं. तो हमने कहा कि मिसाल के तौर पर इस टेक्स्ट को ऊपर अगर हम देखें, इसने जो अकरेंस को काउंट किया है, तो उसने समझाया यहाँ पे कि देखिए आप इसमें दो स्पेस है, एक स्पेस यहाँ पर, एक स्पेस यहाँ पर. उसने कहा जो स्पेस है इसको काउंट किया तो टू आ गया. उसके बाद तीन दफा ए लिखा हुआ, वन टू थ्री, ए की तादाद जो है वो कितनी है, थ्री है. सिमिलरली बी भी थ्री है यहाँ पे, तो बी की काउंट भी जो है वो थ्री आ गई. सी एक दफा है और फाइल यहाँ पे एंड हुई होगी, तो एंड ऑफ फाइल जो है वो एक दफा लिखा. ठीक है, इसको इसने यहाँ पे जो है वो देख लिया और अपने पास पहले स्टेप में काउंट कर लिया. उसके बाद सेकेंड स्टेप के अंदर जो है इसने क्या किया, सेकेंड स्टेप में इसने इसको जो है वो अरेंज कर लिया अपने काउंट के हिसाब से. प्लेस करेक्टर एंड काउंट इन प्रायोरिटी क्यू, प्रायोरिटी क्यू विल ऑर्गेनाइज देम इनटू द असेंडिंग ऑर्डर. इस तरह से कि उनको हम अब प्रायोरिटी क्यू कैसे इंप्लीमेंट करना है ये तो बात की बात है, लेकिन अभी फिलहाल वो कह रहा है एक प्रायोरिटी क्यू के अंदर इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं. तो अब क्या है, आपके पास दो ऐसे एलिमेंट हैं जो के वन रखते हैं, तो आपकी मर्जी आप पहले इसको रख लें, इसको रखें, कोई इशू नहीं. मतलब कोई सवाल पूछ सकता है कि हमने इस क्यू में जो है वो सी को पहले रखा है, एंड ऑफ फाइल को बाद में रखा है, क्यों? तो आपकी मर्जी है, एंड ऑफ फाइल को पहले रख लें, तो इससे कोई फर्क नहीं आएगा. तो हमने सी को रखा, इसकी अकरेंस जो है वन थी, या काउंट या फ्रिक्वेंसी वन था. इसी तरह एंड ऑफ फाइल की भी काउंट वन था, स्पेस का काउंट टू था. बी और ए में भी कोई फर्क नहीं, जिसको पहले रखना चाहे रख लें, और इस तरह से आपने उसको यहाँ पे रख लिया. ठीक, ये दो स्टेप हो गए इसके, यानी अगर आप ट्री बनाने जा रहे हैं तो इसके स्टेप्स हम देख रहे हैं, और इन्हीं स्टेप्स को फिर हम आगे उसके अंदर कन्वर्ट करेंगे जो कि हमारा एल्गोरिथम. अच्छा, ये दो स्टेप के बाद अगले स्टेप में स्टेप टू बी, क्रिएट द हफमैन ट्री फ्रॉम द नोड काउंट्स, और उसके बाद फिर हफमैन ट्री बनाना शुरू करें. हफमैन ट्री कैसे बनेगा, ये कहते हैं पुट ऑल नोड्स काउंट इनटू द प्रायोरिटी की, हो गया, रिमूव टू नियरेस्ट कैरेक्टर वन विच लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, यानी दो जो नियरेस्ट का मतलब है दो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले कैरेक्टर को आप पिक करें, कंबाइन इनटू अ सिंगल नोड, उनको सिंगल नोड यानी उसका एक पेरेंट नोड बनाए. ठीक है, और उसके बाद दोज टू एज अ चाइल्ड, और एक को लेफ्ट पर रख लें और एक को राइट पर रख लें. ये बात समझाता हूँ मैं आपको. मिसाल के तौर पे हमारे पास जो सिचुएशन थी वो ये थी, जो बात इन्होंने यहाँ पे की, ये सिचुएशन आपने कहा इसमें से दो स्मॉलेस्ट को पिक कर लें. इस वक्त हमारे पास जो दो स्मॉलेस्ट है वो एक सी है और एक एंड ऑफ फाइल. ठीक है, हम क्या करेंगे कि सी जिसकी अकरेंस वन है, और एक एंड ऑफ फाइल जो खुद भी जो है एंड ऑफ फाइल, ये भी बेसिकली तादाद के लिहाज से वन है. ठीक, इन दोनों को हम आपस में ज्वाइन कर देंगे और ऐड कर देंगे. ऐड करने पे रिजल्ट आएगा इसकी अकरेंस वन है, इसकी अकरेंस वन है, तो आंसर आ जाएगा आपके पास टू. ठीक, और ये जो टू आएगा ये इन दोनों का पेरेंट हो जाएगा. अब उसने कहा कि आप किसी को भी पहले किसी को भी बाद रखें तो फर्क नहीं पड़ता, तो ये पहले आ जाए, ये बात ये लेफ्ट पे आ जाए, ये राइट पे आ जाए, तो फर्क नहीं पड़ता. तो इस बेसिस पे एक लेफ्ट पे एक राइट पे रखिए, और जो लेफ्ट पे इसके साथ कनेक्टेड है उसको आपने एजेस के हिसाब से वेट जीरो दे दिया, जो राइट पे कनेक्टेड है वो दे दिया, जो पहले में बता के आया था स्टेप, ये हमेशा राइट वाला वन से मार्क होगा क्योंकि इंपोर्ट करेंगे जीरो वन, तो ये बेसिकली टू यहाँ पे आ गया. ठीक है, अब अगला स्टेप ये है कि इन दोनों को तो यूज कर लिया आपने, ये दोनों तो इस्तेमाल हो गए, अब इन दोनों की जगह पे आ गया, इन दोनों की जगह पे आ गया टू. ठीक है, इन दोनों की जगह पे आप कहेंगे कि आपने टू जो है वो ले लिया. ठीक है, ये टू आ गया, ये टू आ गया. अब ये दोनों नहीं, अब क्या होगा, अगला स्टेप यही होगा कि फिर आप मजीद अब ट्री में जो चीज मौजूद है दोबारा से उसको प्रायोरिटी क्यू में रखेंगे. तो हमने जब टू रखा इत्तेफाक से ये प्रायोरिटी क्यू ही है, क्योंकि ये टू है, फिर ये टू है, फिर ये थ्री है, फिर ये थ्री है, फिर दो, फिर टू स्मॉलेस्ट एलिमेंट को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे. ठीक है,
एक तो ये वाला टू आ जाएगा जो हमारे पहले से मेट्री के हिसाब से बता रहा हूँ, जो ये वाला टू है, और एक ये वाला टू आ जाएगा, ये यहाँ पे लिखा हुआ होगा स्पेस के सूरत में, ये स्पेस आ गया और यहाँ पे लिखा हुआ होगा टू। तो अब इस वाले टू को और इस वाले टू को आपस में ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी स्टेप वही लगाया हमने कि अब जो क्यूब में बच गए हैं एलिमेंट उनमें से दो स्मॉलेस्ट निकालने कलेक्ट कर लें। तो अब उसमें से दो स्मॉलेस्ट कलेक्ट करेंगे तो कौन सा आएगा, एक ये वाला टू आ जाएगा और एक जो इनको ऐड करके आएगा वो टू आ जाएगा। तो ये टू और ये टू मिलकर कितना बना लेंगे, फोर बना, समझ आई बात। तो ये फोर जो हमारे पास आ गया है, तो अब हमारे पास जो सिचुएशन होगी वो ये होगी, अब हमारे पास जो सिचुएशन होगी वो कुछ इस तरह से होगी कि ये वाला टू और ये टू कट जाएंगे और इनकी जगह पर फोर आ जाएगा, ठीक है। ये जगह पर फोर आ कटने से मुराद है कि हम कंसिडर नहीं कर रहे ट्री बनाते वक्त, ये बेसिकली लीफ नोड तो है ना, ये एक्सिस्ट करते हैं लीफ नोड, लेकिन मैं तो समझाने के लिए बता रहा हूँ कि फोर है। तो फोर है और थ्री थ्री है, हमारा स्टेप क्या था कि दो लोएस्ट एलिमेंट निकालें। तो इस वक्त ये तो अरेंजमेंट ही गलत है इसकी, तो अरेंजमेंट के हिसाब से थ्री पहले होगा और फोर यहाँ पे आना चाहिए था, समझ में आ गया। तो अब ये दो लोएस्ट हो जाएंगे, तो दो लोएस्ट हम इसमें से निकालेंगे तो दोनों थ्री आ जाएंगे। तो दोनों थ्री का मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ जगह नहीं है तो थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, थ्री जो है वो एक थ्री जो है वो यहाँ लिख देता हूँ, एक थ्री जो है वो बी है, ये वाला बी थ्री, और एक जो है वो ए थ्री है, ठीक है। इन दोनों को हम कंबाइन कर लेंगे, थ्री और ये थ्री, कितना हो जाएगा सिक्स। अब ये थ्री कैंसिल होके जो है वो सिक्स आ जाएगा। अब आपने बचा ही क्या, आपके पास सिक्स बचा फोर, ये दोनों दोनों को आप पिक कर लेंगे। तो अब आप सिक्स और इसको पिक करेंगे तो यहाँ पे एलिमेंट आ जाएगा टेन। तो इस तरह से आपका एक ट्री जो है, और हर एक को मार्क कर रहे होंगे, एक जो है वो आपके पास वाले जीरो, तो ये बेसिकली असल में उल्टा बन गया, इसको राइट साइड में बनाना चाहिए, तो मैं इसको सही ट्री दिखा दूंगा। तो हर एक मार्क होगा 10 के फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। मैं इसको बना के फिर आपसे सवाल लेता हूँ। तो इसने कहा कि यहाँ पे जो लाइन लिखी हुई थी ना, उसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि पुट ऑल नोड्स काउंट इनटू अ प्रायोरिटी क्यू, ठीक है। रिमूव टू नियरेस्ट कैरेक्टर, नियरेस्ट का मतलब है ये दो स्मॉलेस्ट कैरेक्टर को आप पिक करेंगे। फिर तीसरे स्टेप में क्या है, कंबाइन इनटू अ सिंगल नोड विद दोस टू एज इट्स चिल्ड्रन, और इस तरह के जो दो दिए गए उसका पेरेंट यानी उसको चिल्ड्रन बना देंगे, यानी जो सम आएगा वो पेरेंट बन जाएगा। एक को लेफ्ट लेफ्ट वाले को जीरो और राइट वाले को वन मार्क कर देंगे, ठीक है। इस बेसिस पे ये काम आप करते रहेंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पे आपने कहा कि जो हमें डेटा दिया उसको आपने पहले लीफ नोड पे लिखा, एक वन था टू थ्री एंड थ्री, ठीक है भैया। उसके बाद आपने कहा कि सबसे पहले इसमें सबसे दो स्मॉलेस्ट को पिक करो, तो आपका दो स्मॉलेस्ट कौन सा, एक ये वाला है वन और एक ये वाला वन, ठीक हो गया। इन दोनों को आपने ज्वाइन कर दिया, इसको इसके साथ ज्वाइन कर दिया और इसका पेरेंट नोड बना दिया, तो ये आपके पास आ गया टू, ये टू आ गया आपके पास। टू आने के बाद जो लेफ्ट वाला उसको जीरो, राइट वाले को वन मार्क कर दिया आपने, ठीक। अब आपके पास डेफिनेटली ये टू है, और सुनना अभी ऊपर की ट्री बनी नहीं है, अब आपके पास ये टू है और ये तीन लीफ नोड है। अब इन इन इनमें से देखेंगे कि दो स्मॉलेस्ट कौन से हैं, तो आप कहेंगे एक स्मॉलेस्ट टू है और एक स्मॉलेस्ट ये वाला टू, इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे। अगर कंबाइन किया तो ये वाला टू और ये वाला टू आपस में कंबाइन होकर कितना आ गया, फोर, ठीक। ये जो फोर आया है ये पेरेंट नोड बन जाएगा इन दोनों चाइल्ड नोड, तो ये पेरेंट बन गया। एक लेफ्ट वाले को जीरो मार्क कर दिया, राइट वाले को वन मार्क कर दिया, ठीक। इस बेसिस पे आपने कहा कि अब बचा क्या, आपके पास सिर्फ फोर बचा है और ये वाले दो लीफ नोड बचे हैं, ठीक है। ये दो लीफ नोड है क्योंकि ये सारे इस्तेमाल हो गए बाकी। अब फोर थ्री और थ्री में स्मॉलेस्ट कौन से हैं, दो थ्री और थ्री स्मॉलेस्ट हैं, तो अब आप इस फोर को रोक देंगे और इस थ्री और थ्री को आपस में कंबाइन कर लेंगे। जब थ्री और थ्री को कंबाइन करेंगे तो सिक्स आ जाएगा। तो अब आपके पास थ्री थ्री भी इस्तेमाल हो गया, बचा क्या आपके पास, अब आगे बचा फोर और सिक्स, इनको कंबाइन करके आपके पास टेन आ जाएगा और मार्किंग वैसे की भी जीरो मार्किंग। अब आप जरा देखें, मैं भी सवाल की तरफ आता हूँ, पहले समझा दो फिर सवाल। अब आप देखें कि मैंने ये ट्री जो बनाई है, हमने जो ट्री बनाई है ये एक हफमैन इनकोडिंग बेसिस पे, यानी जो जिसकी जितनी क्या कहते हैं पॉसिबिलिटी है अक्रेंस की, उस बेसिस पे हमने ट्री जनरेट किया। अब आप हम अगर अपने कोड को जो कि सारे 8 बिट पे थे उसको देखें, तो आपने देखा कि डी और ए सबसे ज्यादा अकर हो रहे थे, तो इनकी लेंथ इनकोडिंग की सबसे छोटी होगी, ठीक है। उसके बाद जिसकी जिसकी अकरेंस दो थी उसकी उसके मुकाबले में बड़ी होगी या बराबर होगी, इसी तरह से जिसकी अकरेंस वन थी उसका
तो आपने यहाँ पे देखें इंपोर्ट करने की कोशिश करें, आप कहेंगे मैं सी को इंपोर्ट करूंगा, तो सी यहाँ पे एक्सिस्ट करता है, सी को इंपोर्ट करेंगे जीरो जीरो और जीरो, तो देखें सी इंपोर्ट हो गया जीरो 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 से। फिर आप एंड ऑफ फाइल को इंपोर्ट करेंगे, एंड ऑफ फाइल ईयर, एंड ऑफ फाइल कैसे होगा जीरो जीरो वन, देखिए ये हो गया जीरो जीरो। फिर आप इंपोर्ट करेंगे किसको, टू को, सॉरी स्पेस को, स्पेस को करेंगे तो जीरो वन, ये आ गया जीरो वन, समझ आ रही। इसी तरह से आप अब इंपोर्ट करेंगे बी को, तो बी को आएगा वन जीरो, और इस तरह से आप इंपोर्ट करेंगे किसको, ए को, ए को करेंगे तो ये होगा वन वन, ये इंपोर्टिंग स्कीम आ जाएगी। यानी हर बिट जो कि हर करेक्टर जो कि 8 बिट लेता, अब वो मिनिमम इतने बिट लेगा हमारे इनकोडिंग, वो भी इस वजह से कि ए की अक्रेंस और बी की अक्रेंस के बेसिस पे इनका साइज कम, कहीं भी ए और बी ज्यादा इस्तेमाल हो रहे होंगे, कम इस्तेमाल हो रहे होंगे तो इनकी लेंथ बढ़ जाएगी। और आप देख भी रहे हैं, अगर आप इसको थोड़ा सा एनालाइज करें, मैं सवाल पे आता हूँ, मास का ब्रेक भी दे रहे हैं, अगर इस सवाल पे आऊं मैं तो आपको नजर आ रहा होगा कि हम पहले इस्तेमाल कर रहे हैं सबसे कम अक्रेंस वाले को, यानी उसको सबसे नीचे की तरफ रख रहे हैं, और जैसे और आस्ते आस्ते ऊपर की तरफ आ रहे हैं अक्रेंस की वर्थ के हिसाब से, ठीक है, उसकी काउंट के हिसाब से, कि जैसे जैसे हमें उसके काउंट ज्यादा होते चले जा रहे हैं फिर हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसको बाद में इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि उसकी डेप्थ आप ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, जब डेप्थ ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो इम्पोर्ट कैरेक्टर कम हो जाएंगे, और जिसकी डेप्थ नीचे होगी उसका इम्पोर्ट कैरेक्टर ज्यादा होगा, और जिसकी डेप्थ नीचे होगी उसकी अक्रेंस भी कम है, इस वजह से उसकी कोड का लेंथ ज्यादा होगा, कोड लेंथ ज्यादा होगा तो इसलिए हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि वो बेसिकली उस टेक्स्ट के अंदर कम इस्तेमाल होगी, समझ आ रहे हो, और जो ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है उसकी लेंथ आपने कम कर, इस बेसिस पे ये हमें जो है वर्क करके देगा ये जो सारा ट्री है, और इस बेसिस पे हफमैन कोड जो है वो आपको ये कोडिंग जो है वो करके दे रहा होगा। मिसाल के तौर पर अगर हम इसकी किसी ट्रू एग्जाम्पल की तरफ जाएं, मैंने बनाया तो नहीं लेकिन हम बनाने की कोशिश करें, और आप भी इसको अगर कोशिश करें, कोई भी टेक्स्ट लेकर मैं सवाल लेता हूँ आपसे बारी बारी ना, फिर मैं आपके पहले सवाल में ले रहा हूँ, ये प्रायोरिटी के हिसाब से जाएगा जी, बिल्कुल। पहला सवाल है जो फर्स्ट क्वेश्चन 6:54 यानी 654 को पूछा गया था सवाल शान की तरफ से, कि ये प्रायोरिटी के हिसाब से वर्क करेगा, बिल्कुल ऐसा ही है, ये प्रायोरिटी के हिसाब से वर्क करेगा। जब भी आप किसी, गौर सुनिएगा आप, जब भी आप किसी दो इनिशियल को ऐड करके पेरेंट बनाते हैं तो वो जो नया नंबर जनरेट होता है सम होने के बाद, सम होने के बाद जो नया नंबर जनरेट होता है वो दोबारा क्यू में जाता है और दोबारा प्रायोरिटी क्यू बनती है उसकी, क्योंकि हो सकता है कि जो नंबर आया है वो बड़ा नंबर हो तो उसको हम फ्रंट से हटा के बैक पे लगा देते हैं, तो हर दफा एडिशन होने के बाद प्रायोरिटी को चेक करना पड़ता है कि प्रायोरिटी क्यू मेंटेन है या नहीं, ठीक है। नमाज का ब्रेक है 6:59, बिल्कुल नमाज पढ़ने जाएं, मेरा काम हो गया, मैं भी ब्रेक दे रहा हूँ। सबाज निशान का दूसरा सवाल है, सर ट्री भी तो सेव हो रही होगी, जी बिल्कुल, ट्री को भी हमें सेव करना है, जाहिर है बात है ट्री हमें मेंटेन रखना है, क्योंकि अगर हम ट्री को मेंटेन नहीं रखेंगे तो डेस्टिनेशन पे जब हम इसको भेजेंगे तो डिकोड नहीं कर सकेंगे, तो ट्री भी मेंटेन होगी, तो बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये जो ट्री आप बना रहे हैं इसको किसी लिंक्ड लिस्ट के अंदर या किसी ट्री स्ट्रक्चर के अंदर स्टोर करेंगे आप, बिल्कुल ऐसा सही बात, ट्री स्टोर नहीं करेंगे तो हम कतई इसको हम नहीं कर सकते मेंटेन, डिकोड नहीं, क्योंकि ये कोई स्टैंडर्ड ट्री नहीं है, ये इस वक्त करंट टेक्स्ट की ट्री है हफमैन की, आप टेक्स्ट को चेंज करेंगे ट्री भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल 7:00 पे वाले का है कि ईच कोडिंग विल बी यूनिक और सम विल बी रिपीटेड, बिल्कुल यूनिक होगा क्योंकि हर एक का पाथ डिफरेंट है, तो हर एक का इनपुट भी डिफरेंट होगा, प्रीफिक्स भी सॉल्व हो रहा होगा, प्रीफिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीफिक्स इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, कि मैं अभी कुछ टेक्स्ट लिखूंगा तो हमें ये पता हो कि इसको हम डिकोड कैसे कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे एक तो प्रीफिक्स भी हैंडल हो रहा है, किसी भी इनकोडिंग टेक्निक का जो एलिमेंट है वो 01, जैसे 01 है तो किसी का स्टार्ट भी नहीं हो रहा होगा यहाँ पे 01 से, ठीक है। मैं मिसाल देता हूँ कि जैसे मिसाल के तौर पे ये 01 जो किसी एक कैरेक्टर का जो इनकोडिंग है, यानी कोड जो लिखा है 01, या बी का जो कोड लिखा है 010, ये चीजें जो है, चलो मैं नमाज पढ़ के फिर इसको समझाता हूँ, ठीक है, आप नमाज पढ़ ले, मैं इसको एंड करता हूँ ताकि दोबारा नया सेशन शुरू करेंगे। 7:04 हो रहे हैं, हम 7:15 पे दोबारा ज्वाइन करते हैं 10 मिनट के बाद, ठीक है।
बता दें नमाज पढ़ लें सब कुछ जी समी सर नमाज का ब्रेक ले लें फिर हम बाकी क्वेश्चन जो है नमाज की बात करेंगे 7:15 पे दोबारा रिकनेक्ट करूँगा ठीक हो गया ओके थैंक यू वेरी मच